अमीर तौहीदुर रहमान अली भाई, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कि वाई इस्लाम प्रोहिबिट्स आइडल वर्शिप। वो पूछ रहे कि क्यों इस्लाम आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट करता है, क्यों इस्लाम मूर्ति पूजा को मना करता है, प्लीज़ एक्सप्लेन इट इन डिटेल, आस्क बाय नॉन मुस्लिम फ्रेंड। तो आइडल वर्शिप को क्यों मना करता है इस्लाम? तो क्योंकि आइडल वर्शिप करना, आइडल वर्शिप जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो आइडल है, ये जो मूर्ति है, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा भगवान है। तो ये करना अल्लाह के साथ, ईश्वर के साथ, खुदा के साथ, ऐसा करना सही नहीं होता। क्यों सही नहीं होता? क्योंकि उनकी एट्रीब्यूट्स कुछ अलग है, उनकी क्वालिटीज़ कुछ अलग है, खुदा की, अल्लाह की क्वालिटीज़ कुछ अलग। अल्लाह की क्वालिटीज़ क्या है? कि वो अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है, उस ना ही वो कोई किसी को जानता है, ना ही किसी से जना हुआ है, उसको भूख और प्यास नहीं लगती। अभी मैं वीडियोस में, अभी कुछ दिन पहले का कल ही मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा था कि कोरोना की पूजा हो रही है, कोरोना माता की आइडल बना के, मूर्ति बना करके उसको पूजा किया जा रहा है, और फिर वहाँ पर इंटरवीन करते हैं म्युनिसिपैलिटी और कुछ लोग, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन होता है और उस मूर्ति को तोड़ दिया जाता है अंधविश्वास बोल करके। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि कोरोना आपको तकलीफ पहुंचा रहा था, कोरोना के वजह से, कोरोना वायरस के वजह से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, और आप उसकी पूजा कर रहे हैं, आप गलत चीज़ की पूजा कर रहे हैं। क्यों पूजा गलत चीज़ की कर रहे हैं? क्योंकि ये ईश्वर नहीं है। और अगर कोरोना ईश्वर नहीं है और आप उसकी मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं, तो वो क्या बोला गया? ये अंधविश्वास है, ये सुपरस्टिशन है, ये गलत काम है। तो उसी तरीके से इस्लाम ये बोलता है कि आप, नो मैन हैड सीन गॉड एट एनी टाइम, ये लाइन बाइबल का है, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 कुरान में लिखा हुआ है, लन तरानी, आप हमको कभी भी देख नहीं सकते, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। और उसी तरीके से ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि कोई भी आंख उसको देख नहीं सकती और वो सबको देखने वाला है। तो जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, उस चीज़ को आप बना नहीं सकते, आप उसी चीज़ को बना सकते जिसको आप देख सकते हैं। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि आपको प्लैटिपस को बनाना है, तो प्लैटिपस को आप कैसे बनाइएगा अगर आपने उसको देखा ही नहीं होगा? आपको देखना होगा तभी आप प्लैटिपस के इमेज को बना सकते हैं। प्लैटिपस एक मैमल होता है, ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होता है, तो वो चीज़ को आपको देखना होगा तभी आप उसको बना सकते हैं। तो उसी तरीके से जब आप ईश्वर को देख ही नहीं सकते, हर एक स्क्रिप्चर आप पढ़िए, हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर पढ़िए, उसमें भी लिखा हुआ है श्वेता सूत्र उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 में, कि उसको कोई आंख देख नहीं सकती। कुरान बोलता है सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 में, कोई भी उसको देख नहीं सकता। बाइबल बोलता है गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 में, नो मैन हैड सीन गॉड एट एनी टाइम, कि कोई भी ईश्वर को, खुदा को, गॉड को देख नहीं सकता। तो जिसको आप देख नहीं सकते, उसको आप बना नहीं सकते, और जिसको आप बना नहीं सकते, तो अगर आप बना करके उसको बोल रहे कि ये पूजा करने के लायक है, ये ईश्वर है, तो ये सरासर गलत है। और आइडल वर्शिप के बारे में तो वर्सेज है बाइबल में, ड्यूटरोनमी आप पढ़िए, बुक ऑफ एक्सोडस पढ़िए चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3-5, दो शैल हैव नो गॉड बिसाइड मी, दो शैल नॉट मेक अनटू दी एनी ग्रेवन इमेज और एनी लाइकनेस दैट इज इन द हेवन अबव और द अर्थ बीनीथ और वाटर अंडरनीथ द अर्थ, कि आपको किसी भी चीज़ की मूर्ति नहीं बनाना जो आसमान में हो, जो पानी में हो, या जो पानी के अंदर, ये जो जमीन में चलती हो, आपको उसके सामने नहीं झुकना है। यजुर्वेद कहता है 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, लिखा हुआ है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में। ये सारे रेफरेंसेस आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, धर्म में एकता करके हमारे एक सिंपोजियम है, उसके ऊपर आपको मिलेगा ये सारा का सारा रेफरेंस। इवन कुरान बोलता है कि आपको लैसा कमिस्ली शयन, उस अल्लाह की कोई भी मिसाल नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज़ नहीं। तो अगर कोई बोलता है आपसे आइडल वर्शिप क्यों गलत है, तो आप उसको बोलिए साइंटिफिकली गलत, ये स्क्रिप्चर ये गलत बोलता है, लॉजिकली ये गलत है, कि आप कैसे बोल सकते हैं कि जो सातों आसमान, ये जो हमारा यूनिवर्स है, बिग, हमारा जो यूनिवर्स है, कितना बड़ा लाइट ईयर्स यूनिवर्स जो हमारा है, जो कि ईश्वर ने बनाया, वो लाइट ईयर्स में ट्रैवल किया जाता, मतलब एक लाइट कितना साल लगेगा लाइट को कितना स्पीड, लाइट का स्पीड पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का ये स्पीड है, मतलब उतना मीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल कर रहा है, और लाइट को सालों लग रहे ट्रैवल करने में, उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर, लाइट को एक साल लगता है उतना ट्रैवल करने में। जो हमारा गैलेक्सीज में जो मिल्की वे है और सारा का सारा गैलेक्सीज है, उसको लाइट ईयर्स में है सारा डिस्टेंसेज, जिस तरह नबी सल्लम फरमाते हैं कि पहला आसमान दूसरा आसमान के मुताबिक इस तरह जैसे रेगिस्तान में एक अंगूठी हो। तो आप सोच सकते हैं आप कैसे बना सकते हैं, जो ये सारी चीज़ों को बना रहा है उसको छोटे से चीज़ में बना के आप कैसे बोल सकते हैं कि ये ईश्वर है, कैसे बोल सकते हैं कि ये गॉड है? तो ये चीज़ साइंट, आप स्क्रिप्चर के हिसाब से उसको बताइए, लॉजिक के हिसाब से बताइए, आप बताइए कि जिसको आंखें नहीं दे सकती उसको आप कैसे बना सकते हैं। और फाइनली ये डिडक्शन है कि ये आइडल वर्शिप गलत है, और
और इवन हिंदुइज्म के स्कॉलर जैसे दयानंद सरस्वती हुए, विवेकानंद हुए, ये लोग भी बोलते हैं कि आपका आइडियल वर्शिप सही नहीं है, और आर्य समाज जो है वो लोग भी बोलते हैं कि आइडियल वर्शिप सही नहीं है, और इसलिए आप देखिएगा कि वो लोग उसके अगेंस्ट में इवन प्रोपोगेट भी करते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।